अस्सलामुअलैकुम बांग्लादेश, तो कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और आगे शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक मूवी का ट्रेलर है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो भी इस वक्त मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। आई थिंक कोई साकिब खान है, एक्टर हैं बांग्लादेश के, बहुत ही फेमस एक्टर हैं, तो उनकी ये मूवी है। और अभी रिसेंटली आई थिंक इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, मुझे आइडिया नहीं है कब, लेकिन लगता है कि ये बिल्कुल फ्रेश ट्रेलर है। तो नाउ इसका जो मूवी का नेम है वो है नवाब LLB। तो लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं कैसी होने वाली है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन है, आई होप सो अच्छा होगा मेरे लिए। तो पहले मैंने आई थिंक इनकी किसी भी वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 गो। আমাদের সমাজে ছেলে সন্তানকে বলা হয় বংশের প্রতীক। ছোটবেলা থেকে এই সমাজ তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য অনেক বেশি দেয়। কিছু প্রদীপের আগুন লেলিহান শিখা হয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় এই সমাজটা। আর সেই পুরা সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আমরাই আবার মেয়েদের আই থিঙ্ক ওই রেপ কেস পে বানি হয়ে আমি কি ন্যায় বিচার পাবো না? একজনই আছেন আপনাকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দিতে পারেন। মার্ডার নাকি ধর্ষণ? শুভ্রা মেয়ে হিসাবে ভালো না, তার চারিত্রিক সমস্যা আছে বহু আগে থেকে। একটা মেয়ে কাজ শেষ করে রাতে বাড়ি ফেরা মানেই হচ্ছে তার চরিত্র খারাপ। তাহলে এদেশের প্রত্যেকটা কর্মজীবী মেয়েদের চরিত্রই খারাপ। আমি যা করব সেটা আপনি সারা জীবন ইনকাম করে শুধ করতে পারবেন। 2 টাকার একটা মেয়ে মান সম্মান সবকিছু নষ্ট করে দিতেছে, সারা জীবন আমাকে সহ্য করবে কিভাবে? আই এম নট হ্যাপি। আরো বড় কিছু পেতে হলে জাতির বিবেককে নাড়া দিতে হবে। দিলকে কিল করে আজ করব আইটেম সং। বিয়ের আগে সেক্স অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিয়েন্স ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের যদি বিয়ের আগে সেক্সের এক্সপেরিয়েন্স থাকে তাহলে তাকে রেপ করার অধিকার সকলের আছে। আপনি আপনার বোন এবং আপনার মা সবাই মিলে এই নাটক তৈরি করেছেন। এই মামলায় কি এমন বিশেষ ম্যাজিক আছে যে আপনি 7 দিনের মধ্যেই ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিলেন? সবসময় উল্টাপাল্টা পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়। আমার সম্পর্কে তোর কোনো ধারণা আছে? জোর করে কোনো কিছু করানো যায় না। তিনি স্বেচ্ছায় গাড়িতে উঠেছিলেন। মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে বলছেন আপনি। সব সত্য বেরিয়ে আসবে আর সেটাই আপনি ভয় পাচ্ছেন। আমি কখনো কাউকে ভয় পাই না। আপনি ভয় পাচ্ছেন। মাস্তানি শুরু করেছো কবে থেকে? আমি হেরে গেলে এদেশের মেয়েরা আর কোনোদিন প্রতিবাদ করার সাহস পাবে না, আর রেপিস্টরা পেয়ে যাবে ধর্ষণের লাইসেন্স। আজ থেকে সকল নারী নির্যাতন মামলা আমি বিনামূল্যে লড়ব। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। अगेन बहुत अच्छी मूवी लग रही है मुझे। आई थिंक 16 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। तो साकिब खान बहुत फेमस एक्टर हैं बांग्लादेश के। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने उनके किसी मूवी ट्रेलर पर रिएक्ट किया, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को देख कर। और सबसे अच्छी बात जो इस पर उनका रोल है, वो एक वकील है इस मूवी के अंदर, और उनको एक रेप केस सॉल्व करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप सो मूवी अगर रिलीज़ हो जाएगी और इसका सब टाइटल्स भी होंगे तो मैं ज़रूर इस मूवी को देखूंगा, क्योंकि बांग्लादेशी अभी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी नहीं आती, बट कुछ वर्ड्स हैं जो प्रॉपर समझ आते हैं। तो उससे ये होगा कि पूरी मूवी तो नहीं देख पाऊँगा, अगर इसके सब टाइटल्स हुए और ईजीली अवेलेबल भी हुई तो मैं आई होप सो पूरी मूवी देखूँगा। तो हो सकता है मैं इस पर एक रिव्यू की भी जो है ना वीडियो बनाऊँ, तो उससे भी जो है ना काफ़ी मज़ा आएगा हमें। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन है नीचे, लाइक कर दें और कमेंट्स किया करें मुझे अच्छे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स की इंतज़ार रह जाती है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।